ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक फ्रेश रीडिंग के साथ आए हैं जिसमें हम आपके लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके आए हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनके लव मैसेजेस एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए। अगले एक हफ्ते की ये रीडिंग होगी फ्रेंड्स, कि उनकी क्या एक्शन दिख रही है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो कुछ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और आगे भी मुझे अपना सपोर्ट देते रहें। अगला, आप इस रीडिंग को अपने नाम राशि, जैसे हमारे नाम से भी राशि बनती है, जैसे मेरा नाम शिखा है तो मेरी राशि बनती है कुंभ, लेकिन अगर मैं अपनी वैसे राशि डेट के हिसाब से देखूं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो वर्गो बनती है, और अगर अपनी कुंडली के हिसाब से देखूं तो मीन राशि बनती है। सो इसी हिसाब से आपको देखना है कि आपकी कौन सी राशि बनती है, प्लस आप किस राशि से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ वो रीडिंग जो है वो मेरे से मैच करती है, उसकी एनर्जीज मेरे से मैच करती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस रीडिंग के अकॉर्डिंग ही, उस साइन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग देखें। सो अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्लैरिफिकेशन हो गई, एंड जस्ट स्टार्ट द रीडिंग फ्रेंड्स। सो सिंह राशि यानी के लियो राशि। सो फ्रेंड्स, हम इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग को लेके आए हैं जिसमें मैं आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज निकालूंगी। इसमें मैं शुरू करूंगी सबसे पहले आपकी एनर्जी से, कि अगले एक हफ्ते आप किस एनर्जी में रहेंगे इस रिश्ते को लेके, आप क्या सोचते रहेंगे, आपके क्या दिमाग में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपसे। सो फाइव ऑफ अर्थ यानी फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ फायर, किंग ऑफ अर्थ यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ अर्थ। बहुत ज़्यादा अर्थली यानी कि पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, और ऐसी एनर्जीज में आप दिख रहे हैं कि जहाँ चीज़ें आपकी, मतलब एक सेकेंड, कार्ड्स पे लाइट पड़नी चाहिए, कुछ अच्छे से दिखें ताकि, ठीक है। सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए, लियो राशि आप किस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब इस नो कॉन्टैक्ट में ना अभी ऐसा लगता है आपको कि मैं अपने बारे में सोचूं, मैं अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं, मैं अपने पैसे के बारे में सोचूं, मैं अपने आप को शांत रखूं, मैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस ना लूं। हालांकि फाइव ऑफ पेंटिकल से ना मुझे आप ऐसा लग रहा है, या तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम में आपको कुछ मनी प्रॉब्लम हुई है, या मनी आपका पार्टनर आपसे मांग रहा है, या आपको ये डर लग रहा है कि वो मुझसे पैसा मांगेगा तो मैं उसको किस तरह से पैसे दूंगा, मैं किस तरह से उसको, मतलब चीज़ों को करूंगा, मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब वो सामने वाला मेरी बातों को समझे या माने। बेसिकली ना मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आप ना चीज़ों में, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, और सामने वाला शायद उन चीज़ों को समझ नहीं पाया अब तक, और अब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर उसे समझ में नहीं आ रही मेरी बात तो मैं अपने बारे में सोचना शुरू करूं। शायद अभी तक आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बट नाउ यू वॉन्ट क्लैरिटी। अब आपको चिंता होने लगी है कि भाई मैं कितना भी अच्छा बन जाऊँ, कितना भी ग्राउंडेड बन जाऊँ, कितना भी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ, पर फिर भी मेरे और उसके बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। बट आप खुद पे काम करना चाहते हो, अब आपको लगता है कि शायद मैं, और आप ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ एनालिसिस भी करते रहते हो बैठ के,
बैठ के अकेले में सोचते रहते हो, और अकेले में अपने बारे में कि मैं अब अपना ध्यान कैसे रखूं, अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रखूं, क्योंकि ना ये रिलेशनशिप को के बारे में ना चिंता कर करके आपका जो ये दिमाग है ना वो ऐसे लेवल पे आ गया कि आपको नहीं समझ आ रहा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो आप कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं और इसी वजह से आप हर चीज़ से अपना ध्यान हटाते हुए सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे आपकी जो एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। सो आप अगले हफ्ते कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं लियो राशि। मैं देखूंगी क्या आपके पार्टनर भी कुछ स्नो कॉन्टैक्ट में ऐसा ही सोच रहे हैं या उनकी कुछ और एनर्जीज हैं। सो लियो राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए लियो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे हाईली नाराज हैं इस टाइम, जैसे कहते हैं ना एक नंबर नाराज हैं इस टाइम, और इतना ज़्यादा वो नेगेटिव हो गए हैं आपसे इस नो कॉन्टैक्ट में, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं कि जितना उनके मन में आपके लिए प्यार था उतना ही उन्होंने उस प्यार को गुस्से में तब्दील कर दिया है और नाराज़गी में तब्दील कर दिया है। मतलब आप आओ तो आपकी गर्दन उड़ा दें, ऐसे वाला उनका गुस्सा मुझे दिख रहा है, इस लेवल का, इस हद तक का गुस्सा दिख रहा है। जबकि उनका मन साफ है, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई आपके लिए द्वेष भावना आ गई है और वो आपको प्यार नहीं करते या कुछ ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जो गुस्सा है ना वो इतना हद का बढ़ गया है उनका, वो जैसे किसी को हम प्यार करते हैं तो हम एक स्केल के किस तरफ होते हैं, और वही जब हमें उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा चुप रह रहे हैं और जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे ना उनसे, वो बात उनको अंदर ही अंदर खाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो लियो के लिए बहुत सीरियस हूँ, मैं तो लियो को बहुत चाहता था या चाहती थी और लियो ने मेरे बात को समझा नहीं, लियो ने मेरे प्यार को समझा नहीं, लियो ने मेरे को धोखा दिया, लियो ने मुझे अकेला किया, लियो आखिर मुझे मेरे बारे में सोचता क्यों नहीं है, क्यों वो मुझे भाव नहीं दे रहा, क्यों वो मेरे पास वापस नहीं आ रहा। तो ऐसे से विचार जो है वो बार 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 गोल गोल माइंड में घूमते रहते हैं। सो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, यानी कि जैसे आप कन्फ्यूज्ड हैं और आप खुद पे ध्यान देने लगेंगे ऐसे वो भी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन वो गुस्से में जलते रहेंगे, ठीक है। अब मैं देखती हूँ उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या है लव मैसेजेस लियो के पार्टनर के। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, तो लियो आपने हमेशा इनकी कदर की, इनकी रिस्पेक्ट की, हमेशा इन्हें प्यार दिया, इन्हें बहुत सर चढ़ाया, बहुत अच्छा किया इनके साथ। यू आर फनी, इन्हें खुश रखते हैं, हंसाते हैं, इनकी लाइफ में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एंड यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, तभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा इनके एक्सपेक्टेशंस मीट किए और अब आप नहीं कर रहे तो वो चीज़ ना गुस्से में कन्वर्ट हो रही है, यही दिख रहा है मुझे। मैं अब आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी कि अगले एक हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड यू डू एग्जैक्टली लियो, व्हाट शुड बी योर एनर्जी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, देखिए आप मुझे ना बहुत हेल्पलेस दिख रहे थे आज की रीडिंग में लियो, आपने हेल्पलेस नहीं होना, आपने हिम्मत रख के आगे बढ़ना है, आपने सोचना है कि मुझे अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है, और वो तभी होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ, बहुत क्लोज किसी एक फ्रेंड के साथ, किसी घर के परिवार के बंदे के साथ, किसी ऐसे एक इंसान के साथ जो आपकी बात को राज भी रखे और आपको सलूशन भी दे, ठीक है। वेट का कार्ड है, तो यानी कि कोई जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना और शांति से इस समय को बिताएं और सोचें कि क्या करना चाहिए।
एंड अगला है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी, आपके हक में आएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो ये है लियो राशि आपके लिए रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ पता चला हो इस रीडिंग से। आपको ये रीडिंग को लाइक करना है अगर आपको पसंद आए, बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय फॉर नाउ।